जैसे कि आपको पता ही है होली आने वाली है और उसी के साथ स्टार्ट हो चुकी हैं कई सारी होली पार्टी जहां आपको जाना भी पड़ता है और साथ में आपको कलर खेलने में भी बहुत मजा आता है। आपकी सोसाइटी में भी होती होंगी होली पार्टी, तो क्यों ना कुछ ऐसी छोटी मोटी तैयारी कर ली जाए जिससे आप होली को पूरी तरह से इंजॉय कर पाए बिना किसी डर के। यदि आपको 2 दिन बाद ऑफिस भी जाना है ना, तब भी आप होली को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, बिकॉज कलर छुड़ाने की दिक्कत या फिर कैसे जाएं होली पार्टी में, कौन से कपड़े पहने, क्या स्टाइल करें, आपको आज की वीडियो में बहुत सारे हैक देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक जरूर देना। ही गाइस, स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स से जो कि होली के लिए बहुत ही स्पेशल है। ये है हमारा हर्बल कलर। आपने देखा होगा होली में कलर्स इस तरह के आने लगे कि उसमें इतने केमिकल होते हैं ना, तो अच्छा होगा कि क्यों ना आप अपने ट्रेडिशनल वे पर चले। तो आपको पता ही है कि हमारे होली का एक बहुत ही ट्रेडिशनल वे था टेसू के फूलों का कलर। तो टेसू के फूल आपको कहीं भी इजीली मिल जाते हैं, आप किसी भी पंसारी या राशन वाले के यहाँ जाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे। इसको रात भर सोक करके रखते हैं, बहुत ही बढ़िया हर्बल कलर आएगा और ये आपके स्किन केयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सर, चलते हैं दूसरे हैक की तरफ। अक्सर होता क्या है, होली पार्टीज़ मोस्टली दिन में ही होती है और होली वाले दिन जब हम होली खेलते हैं ना प्रॉपर, वो भी दिन में ही होता है। तो आप कलर से बचने के लिए अपनी स्किन पर वैसे अप्लाई करते हैं ऑयल, बट ऑयल अप्लाई करने के बाद आपने देखा होगा सन डैमेज और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें, अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करें किसी अच्छे से सन ब्लॉक के साथ। इसी के साथ कुछ और छोटी सी टिप्स कि आप फुल कवरेज कपड़े पहन सकते हैं जो कि लाइट कलर के हों, जिससे एक तो होली खेलने का आपका मज़ा भी बढ़ेगा और साथ में जो सन डैमेज होता है वो भी कम होगा। तीसरा एक बहुत ही मेन पॉइंट कि अपने नेल्स को हमेशा अच्छे से क्लीन रख कर उस पर नेल पेंट लगाना ना भूलें, बिकॉज जो पक्का वाला कलर होता है ना, यदि वो आपके नेल्स में लग गया तो फिर समझ लो गई गाड़ी 2 महीने के लिए। तो यदि आपने नेल पेंट लगा रखा है तो नेल आपके अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे, और यदि आप नेल पेंट नहीं लगाना चाहते हैं तो जो क्लियर नेल पेंट आता है ना, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कई बार जेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ऑफिस जाना होता है तो उनके नेल्स ख़राब हो जाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप क्लियर नेल पेंट लगा लें। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यदि आपको बहुत ज़्यादा कलर खेलना पसंद है ना, तो ये बात आपको भी पता होगा कि कलर आपका सबसे ज़्यादा रह जाता है कान के छोटे छोटे एरियाज़ में। सो इस पर कलर ना रहे तो कलर खेलने जाने से पहले थोड़ा सा वैसलीन अपने कानों पर ज़रूर लगाएं। इससे क्या होता है, जो एंड में कलर आपके कानों में साइड से रह जाता है या फिर एकदम से पक्का वाला कलर लग जाता है ना, वो नहीं लगेगा और जब आप वॉश करेंगे तो इजीली वॉश हो जाएगा। लड़कियों के लिए यानी गर्ल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, यदि आप होली पार्टी में जा रहे हैं तो ना इस तरह के बड़े बड़े ईयरिंग, कई बार होता है कि लड़कियां सोचती हैं कि ठीक है कुछ हैवी सा कानों में डाल लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इन हैवी ईयरिंग्स में ना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कलर खेलते टाइम, हो सकता है आपके कान में भी किसी तरह की चोट आ जाए। तो अच्छा होगा कि आप कानों में छोटे छोटे टॉप्स ही पहने या बिल्कुल एक छोटा सा कुछ भी आप पॉइंट पहन सकते हैं कानों में। सो कानों में स्टाइल करने की जगह आप कहाँ स्टाइल कर सकते हैं, आप कुछ अच्छा सा एक नेक पीस पहन सकते हैं। सो आप देखेंगे ये काफ़ी स्टाइलिश भी लगेगा और बहुत ही कंफर्टेबल होगा और आपको चोट लगने के चांसेस भी लगभग ख़त्म हो गए हैं। अब आप एक होली पार्टी में जाते हैं और आपको चाहिए कि आप थोड़े से क्यूट क्यूट भी दिखें और आपकी सोसाइटी में पार्टी है तो होली पर मेकअप करने का तो कोई मतलब है नहीं, बिकॉज आपको पता ही है, लेकिन हाँ होली वाला फील लाने के लिए ना आप ये होली स्पेशल आई शैडो जरूर ट्राई कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप 3 से 4 कलर के अपने फेवरेट कोई भी डिफरेंट डिफरेंट कलर अप्लाई करें अपने आईज़ के ऊपर और एक ब्रश से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। ये मुश्किल से 2 से 3 मिनट में लग जाएगा और आप देखेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है और कूल भी लग रहा है। और इसके साथ अब हम अप्लाई करेंगे एक बढ़िया सा डार्क कलर का बिंदी और हम हो चुके हैं रेडी।
अब चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ, जो कि होली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी ना भूलें अपने बालों में तेल लगाना, बिकॉज़ यदि आपके बालों के स्कैल्प के जड़ों में ना कलर चला गया तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। लेकिन ऑयल क्या करता है ना, आपके रूट्स में इसको अच्छे से नहीं जाने देता है। और टिप पर भी ज़रूर लगा लें ऑयल। आपको बताती हूँ होली स्पेशल एक बढ़िया सा हेयर स्टाइल जो देखने में तो स्टाइलिश लगता ही है, साथ ही साथ यदि आपने यह वाला हेयर स्टाइल बना रखा है ना तो बालों के अंदर कलर बहुत ही कम मात्रा में जाता है, बिकॉज ये आपके बालों को बहुत अच्छे से कवर भी कर लेता है। सो आपको करना क्या है इस हेयर स्टाइल के लिए, आपको एक पेंसिल ले लेनी है और दोनों साइड से जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ जिग जैग करते हुए अपने बालों को क्रॉस करते जाना है। इससे आप देखेंगे एक के ऊपर एक बालों की लेयरिंग हो गई है, जिसकी वजह से कलर आपके बालों के स्कैल्प पे जा ही नहीं पाता है और हेयर डैमेज होने के चांसेस भी लगभग ख़त्म हो जाते हैं। सो इस तरह से हमने पहले अपने बाल बनाए और इस वाले ऊपर वाले स्कैल्प को हमने सिक्योर कर लिया है दो चिमटियों से। अब हेयर पिन लगाने के बाद नीचे के बाल हम सिंपल तरीके से ऐसे ही बस तीन चोटी करके गोलेंगे और एक बहुत ही क्यूट सा हेयर स्टाइल हमारा होली पार्टी के लिए हो जाएगा रेडी। सो ये हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर कर देना। चलो अब चलते हैं, होली पार्टी की तैयारी तो कर ली लेकिन जब हम कलर खेल कर वापस आएंगे तो इस कलर को छुड़ाने के लिए हमें बिल्कुल मेहनत ना करनी पड़े। इसके लिए एक बढ़िया सा हैक बताते हूँ। कलर छुड़ाने के लिए ना आप घर पर बनाकर जाना ये बेसन और दही का एक पैक। सो आप जब भी नहाने जाओ तो इस पैक के साथ आप अपने कलर को बहुत ही ईजीली छुड़ा लेंगे। साथ में यदि पक्का कलर कहीं पर आपको नहीं छुड़ाने में आ रहा है तो उसके लिए यूज़ करें ये ऑयल। ऑयल में थोड़ा सा कॉटन को डिप करके आप क्लीन करके देखिए, आप देखेंगे बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगा। चलिए इस बार होली पर कुछ नया देखते हैं क्या आया है मार्केट में। सो आप होली पर ट्राई कर सकते हैं इस तरह के वाटर बलून्स, जिनको फिल करना बहुत ही आसान है, आपको अलग से मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आते हैं इन पाइप्स के साथ और साथ में इन लॉक्स के साथ। इसमें आपको एक कैप भी मिलता है जो कि आप डायरेक्ट किसी भी टैप पर लगाकर इसको फिल कर सकते हैं। तो जैसे जैसे ये फिल होते जाएंगे आप देखेंगे इसमें जो लॉक्स लगे हुए हैं उसकी वजह से आपको इसमें अलग से गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये हो जाएंगे खेलने के लिए एक साथ रेडी। सो आज के ये हैक आपको अच्छे लगे हो तो इसे एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करना और आप सभी को हैप्पी होली एंड हैप्पी एंड सेफ होली।